अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सस्ते दामों में जो है मैं एक मिठाई लाई हूँ। ये जो है मिल्क केक, बाज़ार में जो है मिल्क केक बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं। आप लोग जो है बहुत ही कम खर्चे में इसको जो है बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। मेरे स्टेप को आप लोग फॉलो करके बनाएंगे तो आप लोगों का जो है बिल्कुल परफेक्ट मिल्क केक बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं जो है आप लोगों को एक तोड़ के दिखा देती हूँ, देख ही सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसके अंदर जो है अभी डाल देना है सबसे पहले सूजी। मेज़रमेंट आप लोग कर ले, इससे जो है परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक कप सूजी के लिए मैं आधा कप से थोड़ा ज़्यादा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बिल्कुल देसी घी है, आप लोग इसी में बना सकते हैं, इससे जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप लोगों के पास इतना सारा घी नहीं है तो आप लोग जो है इसकी जगह पर थोड़ा डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को बिल्कुल मेल्ट कर लेना है और गैस को जो है बिल्कुल हाई फ्लेम करके उसके बाद सूजी डालने से पहले लो फ्लेम करना है। तो यहाँ पर एक कप सूजी, मैं 250 ग्राम सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके लिए जो है घी का इस्तेमाल देखिए आप लोगों को मैंने दिखाई दिया था। अब जो है इसको आप लोगों को लो फ्लेम पर, लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है इसी तरह चलाते हुए, और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। इसीलिए जो है आप लोगों को मीडियम फ्लेम करते हुए ही इसको फ्राई करना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते करते जब तक कि इसका घी रिलीज ना होने लगे तब तक आप लोगों को सूजी को फ्राई करना है। इससे जो है बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों का सूजी जो है फ्राई हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम करके थोड़ा सा टाइम लेके जो है ये चीज़ बनाना है। इससे जो है आप लोगों को कम खर्चे में और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार घर पर ही जो है आप लोग सूजी का मिल्क केक बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ किस तरीके का जो है इसको फ्राई करना है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके का जो सूजी को फ्राई करना है, जैसे कि ये बिल्कुल घी एब्जॉर्ब ना करे, घी को बिल्कुल रिलीज़ कर दे, तब तक आप लोगों को जो है इसको फ्राई कर लेना है। अब जो है इसके अंदर हमको ऐड कर देना है मिल्क पाउडर। तो जैसे ही इस तरीके का आ जाए तब तुरंत जो है आप लोगों को गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर जो है मिल्क पाउडर में 100 ग्राम डाल रही हूँ। आप लोग जो है 250 ग्राम सूजी के लिए 200 ग्राम मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर नॉर्मली कोई भी ब्रांड का आप लोग मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत ही अच्छी तरह से चलिए मिक्स कर लेते हैं ताकि बिल्कुल दानेदार ये बन जाए मिल्क के। अगर अच्छी तरह से आप लोग मिलाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मिल्क केक बनेगा। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी जो है इसको साइड में छोड़ देते हैं, तैयार कर लेते हैं इसका चाशनी। यहाँ पर मैं और एक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, उस पर जो है चाशनी के लिए यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। कोई भी कप से अगर आप लोग मेज़रमेंट करेंगे तो एक कप चीनी के लिए जो है आधा कप पानी का ही इस्तेमाल करिए। यहाँ पर जो है मैं 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके लिए 100 ग्राम पानी का ऐड करना है। तो आप लोग कोई भी मेज़रमेंट कप या फिर कोई भी कटोरी से जो है इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इसको जो है एक तार या दो तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है, नॉर्मली जो है चाशनी को बॉयल करना है 10 से 20 सेकंड तक। तो मैं आप लोगों को जो है दिखा देती हूँ। तो अब जो है चाशनी बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, हाथों में थोड़ा सा लेके आप लोग चेक कर लें, थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए, एक तार या फिर दो तार बनना बिल्कुल नहीं चाहिए, इससे जो है मिल्क केक बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएगा। तो बस इतना ही पकाना है। अब जो है गैस की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ और चलिए हमारे चलते हैं उस मिक्स वाले पाउडर की तरफ। तो कढ़ाई अभी तक मैं गैस के फ्लेम को बिल्कुल ऑन नहीं किया हूँ, तो मैं इसके अंदर जो गर्मा गर्म चाशनी है उसको सबसे पहले ऐड कर देना है, और उसके बाद जो है हम लोगों को पहले बहुत ही अच्छी तरह से स्पैचुला की या फिर कोई भी आप लोग करछी की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं। तो पहले बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ले ताकि जो है कोई गांठे या फिर लम्स ना रहें। तो इसीलिए जो है सबसे पहले गैस के फ्लेम को ऑन नहीं करना है। गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे तो बिल्कुल ये गुठलियाँ बन सकता है। तो अभी देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है हमारा मिक्स हो चुका है बैटर। अब जो है गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया हूँ। ऑन करके इसको जो है मीडियम फ्लेम करते हुए पकाना है, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इसी तरीके का बिल्कुल पकाते जाना है मिक्स करते हुए। अगर मिक्स करना छोड़ देंगे आप लोग तो बिल्कुल ये जल सकता है और इसका कलर भी जो है बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा मिल्क केक का। तो इसी तरीके का जो है आप लोग चलाते हुए इसको पकाइए। इस प्रोसेस को करते हुए ना आप लोगों को 10 मिनट तक लगेगा मीडियम फ्लेम करते हुए लगातार इसको चलाते हुए, जब तक कि बिल्कुल डो के फॉर्म में ना आ जाए तब तक आप लोगों को जो है इसको पकाते रहना है। इस वक्त जो है आप लोग इस पर जो है घी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, 1 से 2 चम्मच। अगर आप लोगों को लग रहा है कि जो है सूजी का बैटर थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है तो आप लोग जो है इसमें
थोड़ा सा जो है घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले ही घी डाली थी। 200 ग्राम सूजी के लिए आप लोग 200 ग्राम घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जो है और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो लगभग 10 मिनट हो चुका है, हमारा बैटर भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकते हैं ये फूल के डबल हो चुका है। इसी तरीके का जो है बैटर बनना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों का मिल्क केक बनकर तैयार होगा। अब जो है मैं और 2 चम्मच इसके अंदर जो है घी का ऐड कर दूंगी। घी जितना ऐड करेंगे उतना ही फ्लफी और जो है ये फूल के तैयार होगा। तो 2 चम्मच घी ऐड करके जो है आप इसको इसी तरीके का जो है पकाते रहना है। और लास्ट में जो है आप लोगों को गैस के फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है 10 से 20 सेकंड तक, और हाई फ्लेम करके तुरंत जो है आप लोगों को दूसरे पैन पे ट्रांसफ़र कर लेना है। इस बात का जो है आप लोग बिल्कुल ध्यान रख के मिल्क केक को बनाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा डो आप लोगों को इसमें से निकाल लेना है कोई भी बर्तन में, और हाथों की मदद से जो है आप लोगों को इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके का फिराना है जिस तरीके का आप लोग शेप देना चाहिए। अगर ये हो जाए और हाथ पे बिल्कुल ना चिपके तो समझ लेना मिल्क केक का बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो चलिए इसको जो है हाई फ्लेम करके अभी थोड़ा सा 10 से 20 सेकेंड तक पका लेते हैं, और फिर तुरंत जो है आप लोगों को इसको दूसरे केक टिन या फिर कोई भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब जो है देख सकते हैं यह हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अभी जो है दूसरी तरफ इसको चलते हैं ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर पहले से ही जो है मैं केक टिन को ग्रीस करके रखी थी घी से। इसके घी से ग्रीस करने से जो है ना बहुत इजीली जो है अनमोल्ड हो जाते हैं। तो और एक बात का ध्यान रखें, मैं जो बोली इसको ग्रीस करके ही तुरंत 10 से 20 सेकेंड तक जो है आप लोग को हाई फ्लेम करके इसके अंदर डालना है। और इसको जो है कोई भी केक टिन या फिर बर्तन ले, इतना बड़ा ले ताकि जो आप लोगों का बर्फ़ी सेट करेंगे ना तो बिल्कुल भर जाना चाहिए। थोड़ा सा खाली रख के बाकी पूरा भरना चाहिए, इसी से जो है परफेक्ट इसका कलर आता है। तो चलिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और स्पैचुला की मदद से ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया है ताकि मिल्क केक बहुत ही परफेक्ट बने। और अभी जो है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जस्ट 10 मिनट, इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा कट्स लगा लूँगी। इससे जो है बहुत इजीली जो है पीसेस भी निकल जाएगा और जो है अनमोल भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। अब जो है इसको थोड़ा थोड़ा पीसेस निकालने के बाद इसको इसी तरह छोड़ना है जब तक कि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में ना आ जाए, तब तक आप लोगों को जो है इसको इसी तरह से छोड़ देना है। तो देख सकते हैं अब जो हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ गया, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब जो है मैं अनमोल कर लेती हूँ, इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और जो है इसका पीसेस फिर आप ले मनपसंद के हिसाब से आप लोग कट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल मुँह में घुलने वाला मिल्क केक, बहुत ही टेस्टी। फ्रेंड आप लोग जो इसको ज़रूर अपने अपने घर में ट्राई करिए, आप लोग को उम्मीद है बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये वाला रेसिपी मेरी। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना, कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी बताना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, अपनी फैमिली फ्रेंड में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अल्लाह हाफिज़। ऑल फ्रेंड मिलेंगे इसी तरीके का रेसिपी के साथ।